अगर मोहन भैया कह रहे हैं कि मनन उनका बेटा है तो है ना। एक बात याद रखना, एक बाप का दिल ना कभी झूठ नहीं बोलता है। कुछ भी हो जाए, खून का कनेक्शन ही होता है। बच्चा मोहन का है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जितना हमें याद है, राधा मोहन के बीच वो रिश्ता था ही नहीं। तो फिर वो बच्चा कैसे? वो बच्चा मोहन भैया का नहीं है अजीत। और अगर मान भी लेते हैं है भी, तो भी क्या? राधा को कोई फिक्र है, कोई परवाह है मोहन भैया की? राधा ने अपना घर बसा लिया, उसका एक बच्चा है, उसका एक पति है। यहाँ मोहन भैया बिल्कुल अकेले। किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू करने का सोचा तक नहीं उन्होंने। और वो मीरा, क्लियरली दिखता ना कि वो उनसे कितना प्यार करती है, लेकिन मोहन भैया उसे अपने पास तक आने नहीं देते। वो राधा ना बसे। कहो कहो। क्या रुक क्यों गई? निकालो अपने मन का शहर, बोलो ना। और बोलो, मैं देखना चाहता हूं कि राधा को लेकर तुम्हारे दिमाग में कितना शहर भरा हुआ है। मैं भी देखना चाहता हूं ना कि क्या सोचते हो तुम राधा के बारे में। मैं तुम्हारी 100 बातों का ना एक जवाब दूंगा मैं कि मनन जो है ना वो मेरा बेटा है और राधा मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकती। ठीक है, बस मोहन भैया, बच्चा चाहे किसी का भी हो, लेकिन जिंदगी तो मेरे भाई की खराब हो रही है ना। राधा का क्या है? वो तो वहां खुश है, सफर आप हो रहे हो। राधा भी उतनी परेशान है जितना कि मैं हूं। राधा भी मेरे लिए उतना ही तड़पती है जितना मैं उसके लिए तड़पता हूँ। राधा और मेरा दुख अलग नहीं है। तुम लोगों को राधा का दुख नहीं दिखता, उसकी तकलीफ नहीं दिखती क्या? नहीं, नहीं दिखाई देती। दिखाई तो तब देगी ना जब वो दुखी होगी। पर वो दुखी है नहीं मोहन भैया, वो बहुत खुश है। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि अब वो दुखी होनी चाहिए। जैसे हमारे घर की सुख शांति क्यों खराब हो, उसके घर की भी होनी चाहिए ना। बस ना, अब इतनी भी नाराज होने की जरूरत नहीं है। नहीं मोहन भैया, जिस दिन से राधा इस घर को छोड़कर गई है ना, मैंने आपका अकेलापन, आपकी तकलीफें देखी है। और राधा के वापस आने के बाद ना ये तकलीफें बढ़ने वाली है, क्योंकि आप राधा के वापस आने की उम्मीद छोड़ेंगे नहीं और राधा यहाँ वापस आने नहीं वाली। और सबके लिए बेटर यही होगा कि सबको सच पता चल जाए। पागल मत बनो केकी, कर क्या रही हो तुम? केतकी, मोहन भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम तो चुप ही रहो। और मोहन भैया, आज ना मुझे रोकना है। मैं ना राजा की बैंड बजा दूंगी आज। वो उसका पति जो उसके पीछे पागल बने घूमते रहता ना, उससे भी पता चलना चाहिए कि उसकी बीवी ने क्या क्या किया है, कौन से सच छुपाए, उसे भी पता चलना चाहिए। केतकी,